नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की विशेष जांच टीम ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने नीट पेपर लीक के लिए पैसे के लेन देन और सेफ हाउस की बात कबूल की है। दूसरी ओर बिहार में कथित अपराध इकाई यानी ईओयू के सामने भी सनसनीखेज इकबालिया बयानों ने इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बड़ी चूक का संकेत उन्हें मिला है। संदिग्धों ने अपने इकबालिया बयानों में कहा है कि उम्मीदवारों ने नीट पेपर लीक के बदले 30 लाख रुपए से अधिक की भारी कीमत दी है। शनिवार को ईओयू एजेंसी ने 9 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर उन्हें सोल्वर गैंग से उनके जुड़ाव के बारे में पूछताछ के लिए सबूतों के साथ पटना कार्यालय में आने को कहा है। सभी उम्मीदवार बिहार के अलग अलग जिलों से हैं और उन्हें सोमवार और मंगलवार को आने को कहा गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने भी अभी तक ताजा घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये तब हुआ जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी भी परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर गौर किया जाएगा, जवाबदेही तय की जाएगी और चूक की प्रकृति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो NTA की जवाबदेही भी तय की जाएगी। वहीं अब बात करते हैं कि कैसे ये पेपर लीक नेक्सस जो है वो काम करता है। तो पेपर लीक के आरोपी एजुकेशनल कंसल्टेंसीज और कोचिंग ग्रुप के जरिए से छात्रों को संपर्क करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमित आनंद पटना में एक अपंजीकृत एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाता है। इसके बाद एजेंसियों के कर्मचारियों से सांठ गांठ करना और फिर प्रिंटिंग फर्म से परीक्षा केंद्र तक की कस्टडी चेन को तोड़ना इसके काम करने का तरीका है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद छात्रों को सुरक्षित घरों यानी सेफ हाउस में इकट्ठा किया जाता है और उनसे उत्तर रटवाए जाते हैं। फिर वही ग्रुप इन्फॉर्मेशन लीक होने से बचाव के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर छोड़ दिया जाता है। अगर सूत्रों की माने तो SIT मामलों की शुरुआत से ही निगरानी कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार के एक जूनियर इंजीनियर और BPSC TRI 3.0 प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी एक व्यक्ति सहित 13 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों के बाद ही टीम गठित करने का फैसला किया गया है। तो ये वो तमाम तरीका है जिससे जो पेपर लीक नेक्सस है वो काम करता है। वो पहले कोचिंग सेंटर एजुकेशनल सेंटर पर जाते हैं और वहाँ पर बच्चों को छांटते हैं, देखते हैं कि कौन सा बच्चा इंटरेस्टेड है और उसके बाद ये जो गैंग है वो एक्टिव हो जाता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको AVP लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।